उत्तर प्रदेश वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने जिलाधिकारी व BSA को ज्ञापन देकर इस वैश्विक महामारी में भूखमरी के कगार पर पहुंचे शिक्षक व विद्यालय प्रबंधक की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण ज्ञापन के माध्यम से शासन व प्रशासन से आर्थिक सहयोग की मांग की है, जिससे विद्यालय समस्त कर्मचारी व प्रबंधक का जीवन सुचारू रूप से चल सके। इस विषय में चर्चा करने पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल ने बताया कि इस हालत में हम अभिभावकों से फीस की मांग नहीं कर सकते हैं। हमें बिजली का बिल, गाड़ी की किस्तें आदि के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। भैया अपना मैं राजकुमार जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रबंधक संघ के मैं आपके जिले में आया हूँ। हमारे विद्यालय को 4 महीने से सरकार ने बंद कर रखा है कोरोना वैश्विक महामारी के कारण, और ऐसे स्थिति में हमारे विद्यालय के जो स्टाफ हैं, प्रबंधक हैं, कर्मचारी हैं, सब भुखमरी के कगार पर हो गए हैं। हमारे बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से गार्जियन हमारे अभाव फीस नहीं जमा कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन, सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग है कि हमारे विद्यालय को अपने शर्तों के अनुसार खोलने की अनुमति दें, और अगर अनुमति नहीं मिल पा रही तो हमारे कर्मचारियों को, हमारे स्टाफ को कुछ राहत पैकेज दे, जिससे अपने स्टाफ को हम दे सकें। इससे पहले भी कोई ज्ञापन दिया या आवाज ज्ञापन? हम हर जिले में जा करके ज्ञापन दे रहे हैं और अपनी याचना मुख्यमंत्री के नाम भेज रहे हैं। यहाँ क्या आश्वासन मिला? यहाँ से आश्वासन तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारा ज्ञापन पत्र लिया गया है। इस आश्वासन के साथ दिया गया है कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँच जाएगी। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।